नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार और एक बार फिर मेरी यूट्यूब चैनल लाइफ टेक्निशियन अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि नई विषय के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत लोगों ने सवाल भी किया था इसके बारे में। तो ये जो है मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो सभी लैब टेक्नीशियन के लिए, BMLT DMLT स्टूडेंट के लिए, और जितने भी लैब में काम करते हों, चाहे वो कोई भी हो, नर्सिंग स्टाफ हो या फिर डॉक्टर हो या फिर लैब टेक्नीशियन हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी हॉस्पिटल में काम करते हैं या लेबोरेटरी में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है ये। तो सबसे पहला चीज़ जो हमारे विषय में है कि हमें जो है ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके विषय में हमें सावधानी रखना चाहिए, और जब हम काम करते हैं वहाँ पर हमें तो कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी जानकारी जो है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है आप आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको जो पूरा समझ में आए और आप जो है सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और इन्फेक्शन से बचकर रहें। और ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, तो ज़रूर ये वीडियो आखिरी तक देखें, और आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला चीज़ जो है, हम लैब टेक्नीशियन के विषय में बात करेंगे क्योंकि हम जो उसी फील्ड से हैं, पैरामेडिकल और BMLT DMLT, जो हम लैब में काम करते हैं, लेबोरेटरीज में वर्क करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस हमारे साथ बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला चीज़ जो हम बात करेंगे कि हमें जो है इन चीज़ों से बचना कैसे है। तो बचने के लिए जो है, यदि हो भी जाए तो उसको जो है हमें किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो हमें बचना है इन चीज़ों से। तो बचने के लिए हमें जो है, मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप जाकर के देख सकते हैं, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो वो सारी चीज़ें जो हमें कैसे यूज करना है और क्यों ज़रूरी है, तो वो वीडियो आप देखें जा करके, आपको समझ में भी पूरा आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कलेक्शन से। ठीक है, कलेक्शन जब हम करते हैं, कलेक्शन सेंटर में हमें जो है क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो कलेक्शन में जो है हमें, जैसे कि ब्लड कलेक्शन होता है, तो ब्लड कलेक्शन हो गया, उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे सैंपल आते हैं जो कलेक्शन सेंटर में, सबसे पहले सैंपल आता है हमारे पास, तो उसको हम कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा ब्लड जब हम लेते हैं तो इसमें जो है हमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस हैं, या फिर उससे जो है नीडल स्टिक इंजरी भी हो सकता है, उसके चांसेस हैं, तो इनसे जो है हमें सबसे पहले बचना है जब हम सैंपल लेते हैं या ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो ये सावधानी रखना है कि सबसे पहले तो हमें ग्लव्स पहननी है, उसके बाद जो है जब हम सैंपल लेते हैं, तो सैंपल लेने के बाद जो है जो हम कैप लगाते हैं, तो वो कलेक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि जब ब्लड कलेक्शन करते समय, उस वीडियो में मैंने ये चीज़ भी बताया था कि कैप को जो है टेबल में रखना है, उसके बाद जो है कैप को लगाना है, हाथ में रख करके इस तरीके से कैप नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। और जब हम नीडल जो है पेशेंट से जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो उस समय जो है उसके सामने हम अपना हाथ लेकर के नहीं जाना है नीडल के सामने, है ना। तो ये सारी सावधानियां हैं, तो सबसे पहला चीज़ तो इससे हमें बचना है ताकि हमें जो है इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा जो है HIV जो इन्फेक्शन होता है, दूसरा जो है हेपेटाइटिस जो होता है, इनके इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो नीडल स्टिक इंजरी से सबसे ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं, जो हमें हो सकता है, तो इनसे हमें बचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कलेक्शन में, और बाकी सैंपल जो आते हैं वो पैक्ड होना चाहिए, जैसे स्पूटम का सैंपल आता हो या फिर यूरिन का सैंपल आता हो या स्टूल का सैंपल आता हो, कोई भी सैंपल आता हो तो वो पैक्ड होना चाहिए। पैक्ड होने के बाद ही उसको जो है हमें रिसीव करना है। यदि वो इन्फेक्टेड सैंपल है, यदि पैक्ड नहीं है, किसी कारणवश जो है लीक्ड है, तो उसमें जो है हमें मास्क पहनना है, ग्लव्स लगाना है, तो वो पहन करके हमें उसको जो है यूज करना है, और उसके बाद उनका जो है हमें जो है टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कलेक्शन सेंटर की बात। चलिए अब बात करते हैं लेबोरेटरीज़ में। तो अलग अलग लैब हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में जो है जो टेस्ट लगते हैं, चाहे आप सेमी में लगाएं, मैनुअल में लगाएं या फुल्ली ऑटोमेटेड में, तो इसमें जो है कुछ मैनुअल वर्क जो होते हैं हमारे होते ही, जैसे कि सीरम को सेपरेट करना, ब्लड सैंपल होते हैं हमारे पास, सीरम को सेपरेट करते हैं पहले। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज में जो है उसको, सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब हम सैंपल को डालेंगे, उसके बाद जो उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो उसमें क्या हो सकते हैं, चांसेस होते हैं कि ब्लड जो है या उसका कैप वगैरह जो है खोलते समय जो है गिरने के चांसेस होते हैं हमारे ऊपर, या फिर हमारे ऊपर जो है वो आ सकता है। तो उसके लिए जो है हमें जैसे कि ग्लव्स तो पहनना ही है, उसके बाद मास्क पहनना है, और उसके बाद जो है एप्रन भी पहनना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में भी इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस कौन से लेबोरेटरीज़ में हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो लेबोरेटरीज़ है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो
एटमॉस्फियर में जो है, वातावरण में हवा के द्वारा वो जो है फैलता है, तो इसलिए जो है वहाँ पर चांसेस जो हैं हमें इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा बन जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो इसलिए माइक्रोबायोलॉजी की लैब में जब हम काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा सावधानी हमें बरतनी है कि वहाँ पर जो है हमें ग्लव्स, मास्क और एप्रन तो पहनना ही है, तो ये सारी चीज़ें तो है, ये तो है ठीक है। इसके अलावा जो है हमें पूरा वो पीपीई में मैंने बताया, जैसे कि पूरा जूता भी पहनना है ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता चुका था, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है माइक्रोबायोलॉजी में जैसे कि हम टेस्ट रन करते हैं स्पूटम का ठीक है, किसी को टीबी है तो वो स्पूटम लेकर के आया, तो उससे क्या होगा अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो वो जो है वातावरण के थ्रू या फिर उसके ड्रॉपलेट्स वगैरह यदि किसी कारणवश गिर गया, कुछ हो गया तो हमारे ऊपर आ गया, तो हम उसको इनहेल करेंगे या फिर श्वास लेने के द्वारा जो है हमारे अंदर इन्फेक्शन जा सकता है, तो उससे भी बचना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे होते हैं जब हम कल्चर करते हैं मीडिया में जो है किसी सैंपल को, तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं वहाँ पर तो उसमें भी हमें इन्फेक्शन के चांसेस है, तो बहुत सावधानी से ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर करना है ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खतरा माइक्रोबायोलॉजी में है, तो वहाँ पर जो है हमें बहुत ही सावधान रहना है, सावधानी के साथ काम करना है, क्योंकि अगर एक बार जो है ये चीज़ें हो गया हमारे साथ ठीक है, तो फिर हमें पछताने के अलावा और कोई चीज़ रहेगा नहीं ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, सबसे पहला चीज़ मैंने आपको बता दिया निडल स्टिक इंजरी से बचना है ठीक है, क्योंकि पेशेंट ऐसे होते हैं, अभी भी मैं लैब में टेस्ट वगैरह लगाया तो उसको टीबी पॉजिटिव था, उसके साथ साथ एचआईवी भी पॉजिटिव था, तो ऐसे पेशेंटों को बहुत ही सावधानी से जो है हमें हैंडल करना है और उनका टेस्ट लगाना है ठीक है। पता चल जाता है तब तो ठीक है, ऐसे कैसे कितने पेशेंट होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं चलता कि उसको कौन सी बीमारी है या नहीं है, तो हर एक पेशेंट में हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी की, तो हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी में जो है, साइटोलॉजी में भी ये सारी चीज़ हमें जो है पहन करके इस्तेमाल करना है, क्योंकि साइटोलॉजी में जो है क्या है हमारे पास इन्फेक्टेड सैंपल आते हैं ठीक है, कोई फ्लूड आ गया ठीक है, तो फ्लूड का यदि हमें जो है साइटोलॉजी में लगाना है, जैसे FNAC के द्वारा जो है फ्लूड निकाला है ठीक है, स्मियर बना रहे हैं हम, और उसके बाद जो है उसको यदि हम खुले हाथों से या फिर मास्क वगैरह नहीं पहना उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे, तो उससे जो है इन्फेक्शन के चांसेस हमें भी हो सकता है, यदि हमारे हाथ में कटे पिटे हों कहीं पर भी कुछ भी हो ठीक है, और हम खुले हाथ से कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं ठीक है। इसलिए जो है हमें ध्यान भी रखना है कि हाथ में कहीं भी कटा पिटा ना हो, यदि कटा पिटा हो तो उसमें क्या है पट्टी वगैरह बैंडेज वगैरह लगा के रखना है ठीक है। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में जो है हमारे ऑर्गन आते हैं, ऑर्गन के सैंपल आते हैं ऑपरेशन के बाद हिस्टोपैथोलॉजी में, उनका जो हमें स्लाइड बनाना है ठीक है, 10% फॉर्मलिन में फिक्स होके आता है वो इन्फेक्टेड है कैंसर वाला ठीक है, हमें नहीं मालूम कैंसर है या नहीं है, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी में ज़्यादातर कैंसर के डिसीज का जो है डायग्नोस किया जाता है, तो उन चीज़ों को जो है हमें अच्छे से ध्यान से सावधानी से उनको हैंडल करना है। जब हम सैंपल रिसीव करते हैं तो ग्लव्स पहनना है, उसके बाद ही सैंपल को चेक करना है, उसके कंटेनर का जो है कैप ओपन करना है, या फिर जब हम सैंपल को जो है ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे कंटेनर में 10% फॉर्मलिन में फिक्स करने के लिए, तो उस समय भी हमें सावधानी बरतनी है। उसके बाद ग्रॉसिंग करते समय भी ग्लव्स पहन करके प्रॉपर तरीके से, यदि एक ग्लव्स नहीं तो डबल ग्लव्स पहने, लेकिन उस तरीके से प्रॉपर तरीके से जो उसको हैंडल करना है, फिर ग्रॉसिंग कराना है। ग्रॉसिंग कराने के बाद टिश्यू प्रोसेसिंग तक बहुत ही सावधानी से ये चीज़ हैंडल करना है हिस्टोपैथोलॉजी में ठीक है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग जब चालू हो जाता है तो टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद पूरा ओवरनाइट वो केमिकल से जाता है, गुजरता है वो जो सैंपल जो होता है, उसके बाद सुबह जब आप आते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है, वैक्स से जब आप निकालते हैं पैराफिन वैक्स से, तो आप जो है उस समय जो है बिना ग्लव्स के आप वो काम कर सकते हैं ठीक है, एम्बेडिंग करना या फिर कटिंग करना ठीक है। तो माइक्रोटोम में भी ब्लेड में जो है कटने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, बहुत सारी सावधानियां होनी चाहिए उसमें, तो माइक्रोटोमी वाले जो है क्लास जो है उसमें मैंने प्रैक्टिकल करते समय वो बता दिया है, तो माइक्रोटोमी जो है मेरे वीडियो में वो जा करके आप देख लें, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्या क्या सावधानियाँ उसमें रखती हैं है ना, कि माइक्रोटोमी करते समय जो है हमें कैसे उससे बचा जा सकता है, कितनी सावधानी से जो है माइक्रोटोम मशीन को हमें चलाना है ठीक है, क्योंकि उसकी ब्लेड बहुत शार्प होती है ठीक है, उससे जो है बहुत सारे लोग कट चुके हैं मेरे सामने ही, वो देखा है मैंने ठीक है। अब तो वो चीज़ हो गया, उसके बाद जब हम बात कर लेते हैं पैथोलॉजी में जो है हमारा हेमेटोलॉजी भी आता है, तो वहाँ पर यूरिन के सैंपल आते हैं, ब्लड सैंपल आते हैं, ब्लड ग्रुप लगाते हैं, CBC लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे टेस्ट जो है हेमेटोलॉजी में जब हम लगाते हैं, तो वहाँ पर भी ब्लड का जो सैंपल आता है
ठीक है। तो उसमें भी हमें सावधानी रखना है, ग्लव्स पहन करके सारे काम करना है, मास्क पहन करके करना है, यदि गिर गया कुछ हो गया हमारे ऊपर आ गया ठीक है तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए जो है हमें वहाँ पर भी सावधानी से काम करना है सभी लैबों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इतना जो चीज़ जब मैं बता दिया, अब यदि निडल स्टिक इंजरी नॉर्मल बात होता है तो इसके लिए जो है हमें क्या करना है, यदि हो जाता है तो बहुत सारे वीडियोज़ जो है बने हैं यूट्यूब में भी, आप देख सकते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ। यदि कहीं पर भी निडल स्टिक इंजरी हो जाता है या कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम हमें जो करना है वो होता है कि आपको जो है टेप वाटर में जो है अपनी उंगली को इस तरीके से रखना है, नल खोलना है, और उसके बाद जो है 3-4 मिनट 5 मिनट तक उसको पूरा जो है कुछ नहीं करना है, चुपचाप जो है टेप वाटर में इस तरीके से रख देना है। पानी जो है उसके ऊपर से जाएगा, धुलेगा, पूरा वाश आउट हो जाएगा, ठीक है। जितना ब्लड जा रहा है जाने दें आप, उसके बाद कुछ नहीं करना है उसको, ठीक है ना। उसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है आप साबुन भी यूज कर सकते हैं और उसके द्वारा जो है वो धो सकते हैं उसको, ठीक है। बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप साफ़ कर लें, या नॉर्मल सलाइन से भी साफ़ कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन यदि है तो उसमें से भी आप जो है उसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बात। उसके बाद जो है वो फिर आप फिजिशियन से मिलिए, वो आपको जो है सारा जानकारी दे देंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा मेडिसिन आपको देना है नहीं देना है, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना है। फिजिशियन से मिलिए, उसके बाद जो है वो सारा ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इससे पहले जब भी आप ज्वाइन करते हैं किसी लैब में या हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जो है सबसे पहला काम आपको ये करना है कि हेपेटाइटिस का जो है आपको वैक्सीन लगवा लेना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस हेपेटाइटिस का होता है इन सब चीज़ों से। तो हेपेटाइटिस का वैक्सीन ध्यान से लगवा लेना है, चाहे आप कहीं भी ज्वाइन करें, सीखने के लिए जाएं या फिर काम करने के लिए जाएं, तो हेपेटाइटिस का आपको वैक्सीन लगवा कर ही जाना है, ठीक है। तो ये इसमें जो है इन्फेक्शन के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, इसलिए आप पहले वैक्सीन लगवाएं उसके बाद काम करने के लिए जाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका, आपके काम की बात, ठीक है, हम सभी के काम की बात। तो आप जब वैक्सीन लगवा चुके होंगे तब जो है ये सारी बीमारी से जो है आपको लड़ने की क्षमता आपके बॉडी में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो उनसे जो है खतरा आपके दिमाग में नहीं बना रहेगा, ठीक है। बाकी जो है बीमारी आपका जो है, जैसे मैंने बता दिया कि HIV हो गया, ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों के लिए तो कोई बचाव है नहीं, आपको जो है खुद को बचाव करना है। यदि हो गया तो आपको कोई चारा है नहीं, ठीक है। और बीच बीच में आपको खुद का अपना भी टेस्ट लगा करके देखना है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है करके, जो है ये नॉर्मल बाकी टेस्ट जो है आपको खुद को भी लगा करके देख लेना है, ठीक है। जैसे कि हम अभी जो है मैं TB का देखता हूँ, तो TB का जो है हमें बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं कि मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, इस तरीके से एप्रन पहन करके पूरा काम करना है, ठीक है। पेशेंट से जब हम बात करते हैं तो कितनी दूरी रखनी चाहिए, कैसे हमें बात करना है, ठीक है। तो वो सारी सावधानियाँ हमें बरतनी पड़ती है, क्योंकि हमें पहले सुरक्षित रहना है, ठीक है। पेशेंट को तो हमें बताना ही है उनको कैसे सुरक्षित रहना है, या उनको कैसे दवाई खाना, ये सारी चीज़ उनको तो बता ही रहे हैं, दूसरे को इन्फेक्शन नहीं फैलाना ये भी बताना है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं खतरा हमें होता है तो हमें पहले सुरक्षित रहना है, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई HIV पेशेंट आता है, कोई भी आता है, तो उसको आपके पता नहीं होता है टेस्ट लगाने से पहले, यदि टेस्ट लगाया वो पॉजिटिव निकल गया, इससे पहले यदि आपने या फिर प्रिक किया या फिर सैंपल लिया, निडल में चुभ गया आपको या किसी को भी, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर बचने का तो कोई चांसेस है नहीं, इन्फेक्शन तो होना ही है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही हमें क्या करना है, सावधानी बरतना है, हमें बचना है इन चीज़ों से कि हमें वो चीज़ ना हो। तो बहुत सावधानी से हमें काम करना है, जब हम लैब टेक्नीशियन हैं या फिर पैथोलॉजी में आप काम करते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी काम करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, सुरक्षित रहना है और स्वस्थ रहना है, ठीक है। अपना ख्याल रखना है सबसे पहले, उसके बाद जब पेशेंट आता है उनको जो है उनका ख्याल रखना है, उनका टेस्ट लगाना है, उनके बारे में जो है उनको क्योर करना है, और सावधानी उनको भी बताना है, और सबसे पहले आपको सावधान रहना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी मैंने आपको दिया, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें यदि कोई सवाल है तो, और मेरे को जो है यदि मेरे से बात करना है तो फेसबुक पेज मेरा है लैब टेक्नीशियन अड्डा के नाम से ही, आप जाकर के वहाँ पर भी लाइक कर सकते हैं और मेरे से वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं यहाँ पर भी, और मेरे से जो है सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहें, आने वाले समय में जो है क्लासेस भी चालू होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप वेट कर रहे होंगे, तो बहुत जल्दी क्लासेस भी मिलने लगेंगे आपको, और क्लासेस जब चालू हो जाएंगे तो आप जो है मन लगा करके उनको क्लासेस को आप देखिए, पढ़िए, ताकि आपको जो है उससे भी बेनिफिट मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी बताएं, लोगों को बताएं इन चीज़ों के बारे में, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें, अपने आप को जो है सुरक्षित रख सकें, स्वस्थ रख सकें, इन्फेक्शन से बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको।